इस बार हनुमान जयंती चैत सूदी पूर्णिमा 15 बुधवार संवत 2077 दिनांक 8 अप्रैल 2020 को मनाया जाएगा। सुबह हनुमान जी महाराज की बैठकी की जैसे पूर्व की भांति झांकी होती थी वो होगी, विशेष पूजा अर्चन होगा और उसमें रामचरितमानस का एकाह पाठ, श्री सीताराम संकीर्तन, रामार्चा पूजन और वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पाठ होगा। ये पहले दिन का कार्यक्रम है और उस दिन ध्वजा यात्रा वगैरह होती वो सब चूंकि लॉकडाउन का वो है तो वो सब तो नहीं होगा और शाम को विभिन्न स्थानों से मंडलियां आके वहां पर अपना चैती में रामचरितमानस का पाठ करके हनुमान जी महाराज सुनाते वो भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मंदिर के अंदर का अनुष्ठान वो सब पूर्व की भांति होगा। और उसके बाद 9, 10 और 11 सार्वभौम मानस सम्मेलन होगा जिसमें चूंकि व्यास बाहर से नहीं आएंगे तो मंदिर के ही व्यास जी हनुमान जी महाराज को अपना कथा सुनाएंगे और मंदिर के लोग ही सुनेंगे और बाहर का कोई नहीं रहेगा। चूंकि ये लॉकडाउन पीरियड है और इस तरह का पैंडेमिक है तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत हो इससे और हम उनके लिए भी विशेष पूजा अर्चन करेंगे ताकि इस संकट से, हनुमान जी महाराज का तो नाम गोस्वामी जी ने संकट मोचन ही रखा है तो संकट को का हरण भी वही करेंगे। हम लोग उनसे उस दिन विशेष प्रार्थना भी करेंगे ताकि दुनिया इस महामारी से और इस त्रासदी से मुक्त हो और उसी तरह सुख समृद्धि हो। तो 3 दिन का कथा होने के बाद फिर 12 से 17 तक संगीत समारोह जो कि विश्व प्रसिद्ध है उसमें बहुत लोग बाहर से भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं और वो हनुमान जी के निमित्त संगीत समारोह होता है। इस बार आर्टिस्ट कोई नहीं आ पाएगा, हमने व्यक्तिगत तौर पर उन्हों से निवेदन किया है कि हनुमान जी के लिए कुछ वो अपना प्रेजेंटेशन बना लें, संगीत के माध्यम से उनकी श्रद्धा सुमन हनुमान जी के अर्पित की जाएगी। माध्यम पूरा डिजिटल होगा तो और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ये कहीं ना कहीं से मंदिर परिसर से ये लाइव हो जाए और उसके लिंक भी हम सबको देंगे ताकि लोग अगर देखना चाहें तो उसको देख लें। अपन मंदिर परिसर रहेगा क्योंकि इस तरह की कोई एक्टिविटी पब्लिक एक्टिविटी हो गई ना तो बाहर से किसी को परमिट किया जाएगा तो हम उन सब लोगों से क्षमा याचना भी करते हैं क्योंकि ऐसी बात है, लॉकडाउन का पीरियड है और हम नहीं चाहते हैं मंदिर इसका कहीं से भी कोई कारण बने। वो स्थान ऐसा है जो संकट को दूर करेगा और हम लोग हनुमान जी महाराज से खूब विनती करेंगे ताकि इससे जल्दी हम लोग निवृत्त हो जाए। देखिए अभी कल ही रात में पंडित जसराज जी ने हमसे वीडियो कॉल करके बात किया था तो हमने उनसे अपना बताया कि डिजिटल माध्यम से इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि जो मंदिर में बराबर जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते रहे हैं वो हनुमान जी महाराज को अपना संगीत सुनाएं। तो जसराज जी ने तो हमसे यहाँ तक कहा कि हम हनुमान जयंती के दिन भी सुनाएंगे रात में और संगीत समारोह का जब शेड्यूल में हम रहेंगे उस दिन भी हम हनुमान जी महाराज को सुनाएंगे तो वो लाइव सुनाएंगे। तो इस तरह के बहुत आर्टिस्ट जैसे अजय पोहनकर हैं, राशिद खान जी हैं, फिर भजन सपूरी जी हैं, राजन साजन मिश्र हैं, फिर संजू सहाय जी भी हैं और अपने ये सुरेश तलवरकर जी हैं, ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, सब लोग रहेंगे, सब अपने वीडियो के माध्यम से हनुमान जी महाराज को अपनी संगीतांजलि अर्पित करेंगे।